हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अजंता क्रिएशन। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन। आज के इस वीडियो में हम श्री गोपेश्वर महादेव जी के विषय में बताएंगे। श्री गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर वृंदावन में स्थित है और कहा जाता है कि वृंदावन की यात्रा जब तक पूरी नहीं होती जब तक श्री गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन ना किए जाए। यह तो आप सभी जानते होंगे कि महादेव जी को अर्धनारेश्वर भी कहा जाता है, परंतु गोपेश्वर महादेव जी को पूर्ण नारेश्वर कहा जाता है। वृंदावन में जब श्री कृष्ण जी और राधा जी महारास कर रहे थे तब भगवान शिव शंकर भी पूर्ण नारी वेश में गोपी बन महारास में सम्मिलित हुए थे। आइए शुरू करते हैं श्री गोपेश्वर महादेव जी की कथा। एक बार शरद पूर्णिमा की शरद उज्जवल चांदनी में वंशीवट यमुना के किनारे श्याम सुंदर भगवान साक्षात मन मंथन नाथ की वंशी बज उठी। श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके मंद मुग्ध का मान मृदन करने के लिए महारास किया था। मनमोहन की मीठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान श्री शिव शंकर को मोह लिया। समाधि भंग हो गई, बाबा वृंदावन की और बावरे हो चल पड़े। पार्वती जी भी मना कर हार गई, किंतु त्रिपुरारी माने नहीं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश और श्री कार्तिकेय जी के साथ भगवान शिव शंकर वृंदावन के वंशी तट पर आ गए। वंशी वट जहाँ महारास हो रहा था वहाँ गोकुलवासिनी गोपियाँ द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महारास में अंदर प्रवेश कर गईं, किंतु द्वारपालिकाओं ने श्री महादेव जी और श्री आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। बोली, श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। श्री शिव जी बोले, देवियों, हमें भी श्री राधा कृष्ण के दर्शनों की लालसा है, अतः आप ही लोग कोई उपाय बतलाएं जिससे कि हम महाराज के दर्शन पा सकें और महाराज का आनंद ले सकें। ललिता नामक सखी बोली, यदि आप महाराज देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके महारास में प्रवेश हुआ जा सकता है। फिर क्या था, भगवान शिव शंकर अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप में बन गए। श्री यमुना जी ने 16 श्रृंगार कर दिया तो बाबा भोलेनाथ गोपी रूप में हो गए। प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महारास में प्रवेश कर गए। श्री शिव जी मोहिनी वेश में मोहन की रास स्थली में गोपियों के मंडल में मिलकर ऐतृप्त नेत्रों से विश्व मोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। नटवर वेशधारी श्री रास विहारी रासेश्वरी रस में श्री राधा जी एवं गोपियों को नृत्य एवं रास करते हुए देख नटराज भोलेनाथ जी भी स्वयं ताता थैया कर नाच उठे। मोहन ने ऐसी मोहिनी वंशी बजाई कि सुधी बुधी भूल गए भोलेनाथ। बनवारी से क्या कुछ छिपा था, मुस्कुरा उठे, पहचान लिया भोलेनाथ को। उन्होंने रासेश्वरी श्री राधा जी एवं गोपियों को छोड़कर ब्रज वनिताओं और लताओं के बीच में गोपी रूपधारी गौरीनाथ का हाथ पकड़ लिया और मंद मंद मुस्कुराते हुए बड़े ही आदर सत्कार से बोले,
आइए, स्वागत है आपका महाराज गोपेश्वर। श्री राधा आदि श्री गोपेश्वर महादेव के मोहिनी गोपी के रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, यह कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शिव शंकर हैं। हमारे महाराज के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिवजी से पूछा, भगवान, आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया है? भगवान शिव शंकर बोले, प्रभु, आपकी यह दिव्य रसमय प्रेम लीला महाराज देखने के लिए गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने श्री महादेव जी से वर मांगने को कहा। तो श्री शिव जी ने यह वर मांगा, हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अनंत रास करना नहीं चाहते, कहीं भी वास करना नहीं चाहते। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालंदी के तट निकुंज के पास वंशी वट के समूह भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोपी गोपियों ने अपनी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, गणेश जी, श्री नंद जी विराजमान हैं। आज भी संध्या के समय भगवान शिव शंकर का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार होता है। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर, जय श्री राधा कृष्ण की, राधे राधे। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।